और अब बात उस हत्याकांड की जिसकी वजह से इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। लखनऊ में अतीक अहमद के फ्लैट पर छापेमारी, पुलिस ने पश्चिम बंगाल नंबर की दो गाड़ियां जब्त की है, लैंड क्रूजर और मर्सिडीज कार बरामद की है। हत्या के बाद अतीक के फ्लैट में शूटर्स के छिपने का शक। तो लगातार दबिश दी जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में, और इसी कड़ी में यह छापेमारी की गई है। दो गाड़ियां बंगाल, पश्चिम बंगाल के नंबर की दो गाड़ियां जब्त की गई, लैंड क्रूजर और मर्सिडीज। ये तीन तस्वीरें आप देखिए, अतीक अहमद के घर पर छापेमारी। दूसरी तरफ इस हत्याकांड ने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बंगाल के नंबर की दो गाड़ियां जब्त की गई हैं इस छापेमारी के बाद। पुनीत शर्मा हमारे साथ इस वक्त, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास ज्यादा जानकारी के लिए। पुनीत, ये बहुत बड़ा सवाल है, इतने घंटे बीत गए इस पूरे मामले में, अभी तक छापेमारी चल रही है, एनकाउंटर तो हुए हैं लेकिन अभी भी कई अपराधी हैं जो पुलिस के हाथ से बाहर हैं। क्या सोचकर या क्या प्लानिंग के तहत ये जो करंट छापेमारी की गई है, जो दो गाड़ियां जब्त की गई हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में एसटीएफ की कई टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं और इस पूरे मामले में अरबाज नाम के एक शख्स को तो एनकाउंटर में मार गिराया गया, जबकि नफीस नाम के एक और शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि नफीस का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है कि इलाहाबाद के मुस्लिम हॉस्पिटल जो है वहीं पर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची गई थी और इस नफीस जो है ये उसी का हॉस्टल था और वहीं पर जो शूटर थे वो इकट्ठे होते थे और उसके बाद उन लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके बाद लगातार एसटीएफ की टीम अतीक अहमद के बेटों की तलाश कर रही थी, खासतौर से असद की तलाश में लगी हुई है। असद का पता नहीं चल रहा और इसीलिए यूनिवर्सल अपार्टमेंट जो लखनऊ का है वहां पर छापेमारी की गई है, जहां से एक लैंड क्रूजर और एक मर्सिडीज को पुलिस ने जब्त किया है। अभी भी 20 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में रखा है और जो तमाम शूटर हैं जिनमें से चार लोगों की खासतौर से पहचान हुई थी, उन लोगों की तलाश में भी छापेमारी की जा रही है और आशंका यह भी है कि हो सकता है कि वो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद नेपाल की तरफ फरार गए। साथ बने रहे क्योंकि इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं फिर अपडेट के लिए मैं आपका रुख करूंगी। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर दरअसल सामने आ रही है। पुलिस हत्या के आरोपी गुलाम की लोकेशन मिल गई है, नेपाल भागने की कोशिश में है आरोपी गुलाम, देवरिया और नेपाल बॉर्डर पर यूपी एसटीएफ की पैनी नजर है। अतीक अहमद के बेटे और एसपी नेता के साथ उसकी फोटो भी सामने आई है। यह इस वक्त का बड़ा अपडेट है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। और अब आपको उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी चार तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। एसटीएफ ने एक आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर ली है, आरोपी गुलाम की अतीक अहमद के बेटे के साथ फोटो भी सामने आई। प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ में अतीक अहमद के फ्लैट पर छापेमारी की, जहां से दो लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं और इन तस्वीरों के जरिए अब तक की जो पूरी कहानी है वो साफ साफ नजर आ रही है। तो उमेश पाल शूटआउट में, उमेश पाल हत्याकांड में कई सारे चेहरे सामने आए हैं और एक के बाद एक वो सारे किरदार भी हमें दिख रहे हैं, लेकिन अब चुनौती पुलिस के सामने है कि इन लोगों को कैसे पुलिस पकड़े। लेकिन हम जरा इन तस्वीरों को देखने की कोशिश करते हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि किन किरदारों से कौन सी कड़ियां जुड़ी दिखाई देती हैं। देखिए, सबसे पहले उमेश पाल की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, उमेश पाल जिसका मर्डर हुआ था। अब देखिए सदाकत खान पर, अतीक अहमद सदाकत खान का नाम सामने आ रहा है, ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। सदाकत खान जो गिरफ्तार हुआ है और उसकी फोटो अतीक अहमद के बेटे के साथ सामने आ चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और अखिलेश यादव के साथ सदाकत खान की फोटो, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से काफी बवाल किया गया, काफी हंगामा किया गया है। लेकिन अब उसी सदाकत खान की तस्वीर बीजेपी नेता के साथ सामने आई है, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी अब हमलावर हो गई है बीजेपी के ऊपर। तो ये तो एक फोटो वाली बात हो गई जिसमें एक दूसरे की फोटो दिखाकर ये बातें कही जा रही है। और दूसरी तरफ अतीक अहमद के बेटे के साथ भी नजर आ रहा है मोहम्मद गुलाम और एसपी नेता के साथ उदय प्रकाश। ये सारी तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक एक कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो
बड़े चेहरे हैं इस पूरे मामले में, जो मुख्य आरोपी हैं, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, उनको पकड़ने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। पॉलिटिशियंस के साथ, अलग अलग पार्टियों के साथ, नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें जारी करके राजनीति तो तेज हो गई है, लेकिन पुलिस के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे इस हत्याकांड में जो शामिल इन लोगों को पकड़ा जाए। हम जरा आपको आप समझाते हैं, नीचे जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी छात्र संघ के राष्ट्रीय महासचिव उदय प्रकाश के साथ भी गुलाम की तस्वीर सामने आई है और पुलिस को शक है कि एसपी नेता उदय प्रकाश ने ही शूटर मोहम्मद गुलाम को देवरिया से नेपाल भागने में मदद की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां देखिए दूसरी तरफ वो तस्वीर समाजवादी पार्टी के नेता के साथ नजर आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस इन तमाम अपराधियों को कब तक पकड़ती है। बिल्कुल, देखिए रवि ने आपको बताया कि इस पूरे मामले में कई सारे किरदार हैं और कई सारे किरदारों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। उमेशपाल हत्याकांड में पिछले 24 घंटे में 3 बड़े खुलासे हुए। पहला खुलासा, उमेश की हत्या के लिए 16 शूटर पहुंचे थे, हत्याकांड के लिए पहुंचे 7 शूटर बैकअप के लिए वेट कर रहे थे। दूसरा खुलासा ये हुआ है कि हत्या की साजिश मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी। तीसरा बड़ा खुलासा ये कि साजिश में अहम रोल अतीक, उसके भाई अशरफ का था। मुस्लिम हॉस्टल के इसी कमरे में उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। तस्वीरें आपके सामने होंगी। हॉस्टल और इस कमरे की पूरा कनेक्शन क्या है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने रखते हैं। ये वही रास्ता है जिन रास्तों से बताया जा रहा है कि साजिश रचने के बाद जो बदमाश हैं वो इसी रास्ते से गए थे। हम आपको हॉस्टल के अंदर धीरे धीरे करके लेके चल रहे हैं और समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो अवैध रूप से सदाकत 36 नंबर के कमरे में रह रहा था वहां पर कितने लोग थे। और बताया ये भी जा रहा है कि वहां से कुछ संदिग्ध चीजें भी मिली है, यानी कि कुछ ऐसे बताया जा रहा है कि विस्फोटक जो चीजें होती है बनाने की सामग्री, उसको भी मिला है और उस कमरे को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। एसटीएफ की जो टीमें हैं वो भी लगातार यहां पर अपना वर्क जो है कर रही है। तो हम पहुंच चुके हैं उस कमरे पे जहां पर बताया जा रहा है कि 36 नंबर कमरा है जहां पर सदाकत अली जो है वो यहाँ रहते थे। आप देख रहे होंगे यही 36 नंबर कमरा है जस्ट बगल में, और ये लगभग जितने भी हैं कमरे उनमें ताले लगे हुए हैं। आप ये भी देख रहे होंगे यहाँ पर भी जो है ताले लगे हुए हैं। तो बताया जा रहा है कि इन्हीं कमरों के अंदर से बैठ के पूरी साजिश जो है वो रची गई है कहते हैं। तो ये आप कमरा देख रहे हैं, इस पे नंबर भी लिखा हुआ था 36 नंबर, लेकिन इसको मिटा दिया गया है। लेकिन इसी कमरे में वो अवैध रूप से कई महीनों कई सालों से यहाँ पर रह रहा था, क्योंकि ये अलॉटमेंट इस कमरे की सदाकत अली के नाम से नहीं है, किसी और के नाम से है। लेकिन यहीं से बैठ के पूरी भूमिका की साजिश रची गई और यहीं से बदमाश निकलने के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिए हैं। चलिए अब रुक करते हैं पुनीत शर्मा का, आपको दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। पुनीत, अभी सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि कई अहम खुलासे इस मामले को लेकर लगातार हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे किरदार हैं जिन तक पुलिस अभी पहुंच नहीं पाई है, उनको लेकर क्या अपडेट है और पुलिस उनको लेकर क्या एक्शन में नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, लगातार पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और उसी के तहत हम देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सल अपार्टमेंट है लखनऊ का, वो अतीक अहमद का बताया जाता है और वहां पर पुलिस ने छापेमारी करके 2 संदिग्ध गाड़ियों को बरामद किया और दोनों ही बहुत ही लग्जरी गाड़ियां हैं, एक लैंड क्रूजर है और दूसरी मर्सिडीज बताई जा रही है। दूसरी तरफ देवरिया तक पुलिस पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है जो गुलाम है उसकी लोकेशन देवरिया के आसपास के इलाके में हो सकती है। हालांकि उसका शक ये भी किया जा रहा है कि हो सकता है वो नेपाल भाग गया हो या भागने की कोशिश में हो। तो एसटीएफ की जो 4 टीमें हैं वो इन लोगों को तलाश करें। इसके अलावा सेंट्रल जेल में जो लोग भी अतीक के भाई से मिलने गए थे हाल में, उनसे भी पूछताछ लगातार की जाइए। 20 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया हुआ है, हिरासत में लिया हुआ है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जो खास तौर से अतीक के गुर्गे हैं। पुलिस सबसे बड़ा चैलेंज पुलिस के सामने क्या लग रहा है, सबसे बड़ी चुनौती क्या पेश आ रही है इस पूरे मामले में? क्योंकि एक तरफ सरकार का यह दावा था कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन अपराधियों ने खुला चैलेंज सरकार को और पुलिस को दिया है। तो पुलिस को अब कार्रवाई करने में, उनको पकड़ने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि अभी तक असद, जो इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड माना जा रहा है, अतीक का बेटा है, पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी क्लू अभी तक नहीं मिल पाया। असद इस पूरे मामले में खासतौर से पुलिस के रडार पर है और इस पूरे मामले में अतीक के जो दूसरे बेटे हैं उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। सीबीआई जाँच की मांग लगातार अतीक की पत्नी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गुलाम है, जो खासतौर पर अतीक का खास गुर्गा था और बताया जा रहा है कि इस पूरे मर्डर केस और शूट आउट में
में गुलाम एक खास इनका मोहरा था। तो गुलाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ना तो गुलाम तक पहुंच पा रही है, ना बमबाज तक पहुंच पा रही है पुलिस, और ना ही उसके बेटे असद तक। कुल मिलाकर के जो 16 शूटरों की बात हो रही है, जिनमें से 7 की पहचान की जा चुकी है, उनमें से एक भी पुलिस के शिकंजे में नहीं आया, एक को एनकाउंटर में ज़रूर पुलिस ने मार गिराया है। We'll be right back.